हाय गाइस, कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। तुम्हें किसानों की ज़िंदगी के बारे में बताऊँ थोड़ा। फिलहाल अब रात का टाइम है और देख रहे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, पूरी दुनिया में खेत पे देखने को। एक तो फसल हुई नहीं है कैसे भी किसी भी तरह से, और पानी की वजह से तो वैसे ही खेत होते में इतना पानी भी मिक्स हो जा रहा है, ठीक रहे। देख रहे ट्रैक्टर रात में ट्रैक्टर चल रहा है खेत के कहते हैं उपचाओं के लिए, फसल तैयारी के लिए खेत में ट्रैक्टर से जोत लगाते हैं। हमारे किसान भाषण बोल देते हैं जोत लगाना खेत में, इस फसल के लिए जो न्यू फसल हम बोएंगे इसमें। और ये खेत बचाए 16 किला के चक्कर से ओनली सिर्फ, जिसमें अब जोत लग रही है और ये भी बहुत टाइट है। सोच रहे थे सरसों बो दें कुछ, लेकिन सरसों बोने के लिए तो बो सकते हैं, खाने के लिए तो वो नहीं हो सकते, इसलिए गेहूँ के लिए ये खेत तैयार किया जा रहा है और किसानों का पानी बहुत बुरा होता है। फिर वो बात करते हैं हटते हैं बिल्कुल एकदम खेत, थोड़े से भी इसमें संभावना नहीं है कि कुछ हो जाए। तुम्हें दिखा असल में एक्चुअली दिन है नहीं, ये दिखाता मिट्टी कितनी टाइट हो चुकी है फिलहाल, बहुत ज़्यादा टाइट है मिट्टी, लेकिन एक चौड़ी तरफ दिखाते हुए कुछ भी नज़र नहीं आएगा आपको। इतनी रात हो रही है और हम अपने खेत पे खड़े कर रहे हैं, ये हाल है किसानों का। ये सिगरेट पड़ी शायद दिख जाए तो थोड़ी बहुत एक्चुअली दिखेगी नहीं, देख लो ये सिगरेट है जो अभी थी, क्योंकि किसान है तो कहते ना कि हम तो चलो धीरे धीरे चले भी नहीं दीजिए। मेरा छोटा भाई है जो ट्रैक्टर चला रहा है, कुछ दिख रहे तो क्या कर सकते हैं यार, कुछ है ही नहीं इतना। ये ऊपर वाला मारता है ना, वो सच में बहुत मारता है, तो बेझिझक मारता है, मिनी के टाइप से मारता है। जा रहा हूँ ट्रैक्टर बंद कर दिया, पता नहीं क्यों क्या, तो जाना पड़ेगा किसान एक बार। अरे कोई दिक्कत होगी मतलब पहुँचा भी नहीं, इतना कुछ चल रहा है में, ये ये जिंदगी है जो सच्ची बता रहा हूँ मैं, इतना कह रही है कि मैं दुआ करता हूँ हर बार ऊपर वाले से कि किसान न बनाए, किसान लाभ बनाने और युवाओं के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है पूरी तरह से। जी 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 जी
कहाँ पे भाई? मेरे से मैं फिर आ गया हूँ वहीं पे जहाँ पे मैंने स्टार्ट नहीं की। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक ही है यहाँ पे कि अभी हम जैसे हैं 22-23-24 साल के समय, सच में हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अब हम अगर ये काम ना करें तो कुछ खा नहीं सकते। और अगर इस काम को करें तो फिर हम कुछ करने के काबिल नहीं है, क्योंकि ये काम फर्स्ट है हमारे लिए। मैं इतना ही कहूँगा कि अगर अपने बच्चों को सही रास्ते पर ला रहे हैं तो कोशिश कर लें किसान की तरफ मत खींचने। अपने बच्चे हो सकता है पढ़ाओ लिखाओ, ये लास्ट का काम है। ये तो अगर आप नहीं भी करोगे ना सर, सपोज़ अगर उसको तो जॉब नहीं मिली, कुछ नहीं मिली, तो ये काम तो इंसान फिर भी कर सकता है। लेकिन अगर आपके बच्चे उम्र दराज के हिसाब से करें जो 40 साल प्लस हो गए, जिनके बच्चे अभी होने वाले हैं या मतलब जिनके बच्चे हो गए 10 साल के 12 साल 15 साल, तो अपने बच्चे को ना कोई अच्छा फ्यूचर दिखाओ। अच्छा फ्यूचर, मैं किसान, मेरी एज समथिंग क्या होता है, मेरी एज 24 है, बट मुझे पता है कि इसमें कितनी प्रॉब्लम है। और हमारी प्रॉब्लम किसी को नहीं दिखती, किसान की प्रॉब्लम किसी को भी नहीं दिखती भाई, किसी को भी नहीं दिखती। सच्ची बता रहा हूँ, दिखती नहीं। गाँव में ना बोल देना यार भुत तेरे जिम्मेदार है, तुम्हारे पास भुत तेरे पैसे होने चाहिए, यकीन कर एक रुपया भी नहीं। इस ट्रैक्टर वाला, इस ट्रैक्टर में जो तेल डलाया ना उसके लिए मैंने किसी से मांगे थे, क्योंकि जो फसल थी वो नेक्स्ट हो चुकी है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। तो अब ये लगा अब जो जमींदार करेंगे वो पैसे लेंगे किसी से, उधार लेंगे किसी से, ब्याजी पे लेंगे, जब उसे 4-5 महीने बाद हमें से देंगे तो बहुत रुपये का, तो उसका एक तो उसका पहले ही बजट हो गया इकट्ठे मेरे पास लिखने भी लें फसल में लगाएंगे, और दूसरा कि अगर ब्याज पे लिया तो उसका ब्याज काफ़ी हो जाएगा। तो इससे ये जाहिर होता है कि जो अब थोड़े बहुत इन्वेस्ट पैसे बचेंगे इस फसल के बाद में, सपोज गेहूँ या सरसों की फसल है तो थोड़े बहुत पैसे हो जाएंगे। और मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है इसमें, बस पचना है, पचने उतलाया और कुछ भी नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, जो रेल है वो बता रहा हूँ। लोगों को लगता हुआ था हम किसान हैं, अच्छा कमा लेते हैं, कमा लेते हैं, जहाँ अच्छी फसल होती है वहाँ ठीक है बस कमा लेते हैं। लेकिन अब हमारे यहाँ ज़्यादा 2-4 चीज़ें होती हैं, ज़्यादा कोई नहीं देता, 5 वो देगा इस टाइम में गेहूँ और सरसों, उस टाइम जो आ रहा है बाजरा, 5 रुपया कुछ है ही नहीं, जो 5 रुपया नहीं रहती ये भी नहीं कह सकते। मैं सारे किसान मतलब ये लगा रहा था हमारे एरिया में तो ज़्यादा करके नहीं, मतलब दिक्कत ही है, सीधी बात है कि दिक्कत ही है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ अपने बच्चे के लिए अच्छे फ्यूचर दिखाए। हम तो बच रहे हैं तो बच ही रहे, लेकिन हम अपने बच्चों को इस फील्ड में ना डालें। हम अपने कोशिश करें अपने बच्चे को कहीं अच्छी फील्ड दिखाएँ, लग जाए जॉब, लग जाए अच्छी प्राइवेट, अगर सरकारी मामले में तो प्राइवेट मिल जाए, कम से कम सुकून की तो वो ज़िंदगी भी। ऐसा तो नहीं कि यार हम बच रहे हैं तो हमारे बच्चे भी इसी में बचे, और हम देख रहे हैं इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं फायदा हो रहा, 1% का भी नहीं है। सपोज करो अगर हमने शादी भी करनी होगी, जैसे भाई की कर लो या बहन की कर लो, तो उसके लिए हमें कर्जा लेना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये करने की बात है, बाकी आप देख रहे हो रात का टाइम हो रहा है और हम अपने खेत से करें, इसमें कोई भी नहीं है, आप देख सकते हो रात मुझे हमें दिख जाए थोड़ा बहुत कि बल्फ वल्फ एक आध बल्ब तो अलग बात, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं चारों तरफ दिखा देता हूँ। ठीक देख रहे हैं कहीं उजाला, देखो थोड़ा सा बल्फ का ये रोशनी आ रही है हल्की सी, क्योंकि अंदर साइज कुछ भी नहीं है।
रात का टाइम हो रहा है और ये खेत के हैं, सॉरी प्लेस बनाते हैं बहुत ज़्यादा, वो छोटे छोटे झींगर से होते हैं तो दिक्कत होने लगी। देखो ऐसे झींगर आ रहे हैं, देखो रात का देखो, ये रात का पेड़ है ना, ठीक रहेगा कितना प्लेस बनने का रहता है कोशिश करो कि पढ़ें, जो 20-22-25-30 साल के जो भी है, जो भाई देख रहा है, भाई बहन जो भी है, अगर थोड़ी एज की है मतलब 30 है, 30 से कम है या 30 तक है, तो कोशिश करें अपने लिए कुछ सरकारी जॉब की तरफ तलाश करें, जो सरकारी नहीं मिलती तो प्राइवेट करें, और प्राइवेट भी नहीं होती तो किसी बच्चों का नहीं होता भाई, बच्चे के लिए अच्छा मैनेज करना या सब ऐसा नहीं होता, तो कोशिश करें अपने बच्चे को किसान पने से थोड़ी दूरी बना के रखें और कोई धंधा सिखा दें। आज धंधा सीख लेंगे, दो साल मैक्सिमम 4 साल के अंदर अच्छा सीख जाएगा बंदे, 5 साल हो जाएगा उसके बाद फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। नहीं हमारी तो ज़िंदगी हो रही है खराब, हो रही तो मतलब हो ही गई यार, इसको छोड़ नहीं सकते, मजबूरी है और अदर साइज कुछ स्टडी भी कर रहे हैं बात करें, लेकिन जो भी फर्स्ट है अगर इसके लिए करो तो परिवार है उसका, इसके लिए भी चाहिए कुछ, अगर इसको छोड़ के भी चले जाए तो किसी दूसरे के लिए दे रहे हैं कुछ, ऐसा ही है मिला मिला कुछ नहीं मिला, मिला के बराबर ही होगी। हम भी तलाश करें कि कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए या प्राइवेट मिल जाए, सरकारी ना सही बट प्राइवेट मिल जाए तो कैसे काम है, तो देखो मेरे को लास्ट कर रहे हैं और मेरी फैमिली के साथ खुश रहे, कोशिश करें खुश रहें जितनी हो सकता है, क्योंकि जिंदगी एक बार मिले बार बार नहीं मिलेगी।